हेलो गाइस, आई एम सोमू जी। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल में। तो भाई देखो, Realme C3 इंडिया में आ चुका है, Redmi का 8A Duel इंडिया में आ चुका है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप कौन से स्मार्टफोन को परचेस करेंगे, कौन से स्मार्टफोन लेने के बाद आपके सबसे वैल्यू फॉर मनी आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ, कॉम्पेरिजन करने वाला हूँ Realme C3 वर्सेस Redmi 8A Duel की। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये कॉम्पेरिजन एकदम वैसे जैसे होता है बाकी यूट्यूबर करते हैं कि इसके वेट कैसा है, इसका लेंथ कैसा है, इसका ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको मेन डिफरेंस दिखा दूंगा कि कौन से अच्छे, कौन से बुरे हैं, कौन से किस फोन के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, किस फोन के अंदर कौन स्पेसिफिकेशन है। तो ये चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखते रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप खुद एक स्मार्टफोन को परचेस करने जाएंगे तो सबसे पहला चीज़ क्या देखेंगे कि उसका प्राइस कैसा है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस करेंगे तो भी प्राइस देखेंगे, ऑनलाइन मार्केट से भी परचेस करेंगे तो भी प्राइस देखेंगे, क्योंकि प्राइस एक सबसे बढ़िया एंड सबसे पहला स्टेप है एक स्मार्टफोन को बाय करने के लिए। अगर हम लोग बात करें Realme C3 की, तो Realme C3 में 3 and 32 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है 699 rupees में, यानी 7000 rupees के अंदर, एंड 464 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है 799 यानी 8000 rupees के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Snapdragon 439 प्रोसेसर की, तो Snapdragon 439 प्रोसेसर मतलब Redmi 8A Duel का जो प्राइस है वो आप लोगों को मिल जाते हैं 2+32 GB स्टोरेज वेरियंट मतलब 6500 rupees, एंड 3 and 32 GB स्टोरेज वेरियंट यानी 6900 rupees। यहाँ पे आपको 4G वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप एक 2G वाला वेरिएंट का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं कम प्राइस में, तो 6500 में Redmi 8A Duel आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे Redmi 8A Duel क्लियर विनर हो जाता है। पर भाई देखो, अगर आप थोड़ा भी टेकी हो, मतलब आपको टेक के बारे में नॉलेज है, आप जानते हो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन किसे कहते हैं, तो आप भागे चले जाओगे Realme C3 की तरफ। क्योंकि Realme C3 में जो प्रोसेसर है, हम बात करने वाले प्रोसेसर की, जो प्रोसेसर है भाई, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है MediaTek का हीलियो G70, और ये एक प्रॉपर गेमिंग प्रोसेसर है। मतलब यहाँ पे आप पबजी को 40 FPS में खेल सकते हो, जो कि बाकी डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। MediaTek हीलियो G70 काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर को होने के नाते Realme C3 काफ़ी तगड़ा हो जाता है। मान लीजिए आप पबजी नहीं खेलते, आप वीडियो एडिट कर सकते हो, आप ग्राफिक एडिट कर सकते हो, वहाँ पे भी ये फ़ोन आपको हेल्प करेगा। 7000 रुपये के अंदर आपको अच्छी खासी ग्राफिक एडिटिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे Redmi 8A Duel में आपको Snapdragon 439 देखने को मिल जाती है, और Snapdragon 439 काफ़ी पुराना है, 2018 के जून महीने में निकला था। आप सोच ही सकते हो कितना पुराना है, और इसका जो ग्राफिक्स है वो भी पुराना है। अगर हम लोग ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे जो G70 है MediaTek के लिए G70, वहाँ पे आपको माली G52 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग बात करें MediaTek Snapdragon 439 की, तो यहाँ पे आपको Adreno 505 देखने को मिल जाती है। अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा अच्छा है, उसका भी एक आइडिया मैं दे देता हूँ। इसका जो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि MediaTek हीलियो G70 का जो ग्राफिक्स है, उसका जो मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड है, यानी क्लॉक स्पीड है, वो 800 मेगाहर्ट्ज़ है, और यहाँ पे जो Snapdragon 439 है, 439 का जो ग्राफिक का स्पीड है, यानी Adreno 505 का जो ग्राफिक स्पीड है, यानी क्लॉक स्पीड, वो है 400 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही चुके हैं कि 400 मेगाहर्ट्ज़ में डिफरेंस होगा। और इसका एकलौता डिफरेंस ये है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेसर ख़राब है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, पर पुराना है, इसीलिए ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। और कोई भी व्यक्ति फोन लेने के बाद एक चीज तो जरूर पूछेगा, भाई इसका कैमरा कैसा है। अगर कैमरा में हम लोग डिफर करने बैठ जाए तो आपको बहुत चीज मायने रखते हैं। नंबर वन, फ्रंट कैमरा। यहाँ पे Realme C3 में 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, और Redmi 8A Duel में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा। दिमाग में आ गया। नंबर टू, रियर कैमरा कैसा है। रियर कैमरा में Realme C3 में आपको 12+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है, और Redmi 8A Duel में आपको 13+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है। अब रियर कैमरा भी हो गया, यहाँ पे Redmi 8A क्लियर विनर हो गया। पर एपर्चर जाना भी आपको जरूरी है। एपर्चर अगर कम होगा तो ज़्यादा लो लाइट कंडीशन में अच्छा फोटो खींच पाओगे, नहीं तो नॉइज़ भरे आ जाएंगे, और अगर एपर्चर ज़्यादा है तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर विनर निकल जाती है Realme C3, क्योंकि Realme C3 के अंदर आप लोगों को 1.8 अपर्चर की कैमरा देखने को मिल जाते हैं, और Redmi 8A Duel में आप लोगों को 2.2 अपर्चर की कैमरा देखने को मिल जाते हैं। तो ये है कैमरा का जो इंटरफेस, और इंटरफेस वाइज कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, और इससे आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कौन से कैमरा को आपको परचेस कैमरा स्मार्टफोन को आपको परचेस करना चाहिए। बाय द वे, लास्ट में कंक्लूजन है, उसके लिए जरूर से वेट करो। अभी हम लोग बात करते हैं इसके नंबर 4 डिफरेंस की। नंबर 4 है इसका एंड्रॉयड वर्सन।
यहाँ पे Realme C3 में आपको Android 10 देखने को मिलता है, यानी लेटेस्ट Android। पर यहाँ पे जो Redmi 8 है Duel है, आपको Android 9 देखने को मिल जाती है। हाँ, Android 10 मिल जाएगा कुछ दिन के अंदर, पर Android 9 ही तो है, Android 10 तो नहीं है। यहाँ पे आपको Realme UI बेस देखने को मिल जाती है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्सन है, Realme का लेटेस्ट वर्सन है। और यहाँ पे आपको इसका भी लेटेस्ट वर्सन देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI 11, जो इस साइट का यानी Redmi साइट का लेटेस्ट वर्सन है। तो भाई लोग, आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है। अभी टाइम है एकदम लास्ट एंड फाइनल की मेरी ओपिनियन देने की। अगर मेरी ओपिनियन आप सुनना चाहते हैं, तो अगर आप एक अच्छी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं 2020 में, एक अच्छी स्मार्टफोन का मतलब एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, तो आपको अगर बाकी में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन परचेस करना है, तो Realme C3 आप ले लीजिए, बेझिझक के ले लीजिए। क्योंकि भाई देखो, Realme C3 के अंदर वो सब कुछ है जो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में होना चाहिए, पर Redmi 8 Duel में ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइप सी केबल्स देने से ही सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाती, आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, सब कुछ चीज़ें आपको सही चाहिए एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि Realme C3 को ले लीजिए, Realme C3 यहाँ पे क्लियर विनर मानी जाती है। तो भाई, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सा स्मार्टफोन आगे जाएगा, कौन सा डिवाइस को आपको परचेस करना चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।